दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल गर्ल्स सौदी अरब छस्सी पे स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अकामे की फीस कितनी होती है और अकामा अगर हम रिन्यू कराने के लिए जाए तो दोस्तों अगर उसमें हमारे पैसे ज़्यादा चले जाएँ तो वापस कैसे मिलेंगे हमको। तो इसी में एक आदमी ने अपना 4 साल के अकामा का रिन्यू कराने के लिए पैसा जमा किया था, तो उसका 2 साल का अकामा बन के आया है। 2 साल का पैसा उसी अकाउंट में रह गया जिसमें उसने डिपॉजिट किया था। अब वो बंदा परेशान है कि मेरे को 2 साल का पैसा मेरा वापस कैसे मिलेगा। तो उसने जवाजात के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बोला है कि मेरा जो नवीकरण अकामा हुआ वो 2 साल का हुआ, 2 साल का अकामे का पैसा बच गया है। तो इस पे जवाजात की तरफ से ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि जो 1 साल की फ़ीस होती है अकामे के रिन्यू कराने की वो 600 रियाल होती है घरेलू डोमेस्टिक वर्करों के लिए। घरेलू डोमेस्टिक वर्कर उन्हें बोलते हैं जो घरों में काम करते हैं, घरों में कामगारी आदमी होते हैं, जैसे सफाई वाला, घर में गार्डन में काम करने वाला, ड्राइवर हुआ। जो डोमेस्टिक वर्कर में आता है उसे घरेलू कामगार वर्कर बोलते हैं। तो जवाजात की तरफ से वो बोला गया है कि आपने जिस अकाउंट से पैसा जमा किया था उसके बाद जितना अकामा बनता है, जितना पैसे आपने जमा किए उसका अकामा, अगर आपने 4000 रुपये जमा किए और आपका अकामा 2 साल का बना तो यानी कि 600-1200 रुपये हो गए आपके 2 साल के अकामे के। तो उसके बाद आपकी 2800 रुपये जो फीस बचती है, जो आपने जमा किए हुए 4000 उसमें से 2800 बचते हैं, तो वो आपके वापस जवाजात की तरफ से बोला गया है कि वो वापस आपके उसी अकाउंट में रहते हैं जिसमें आपने, जिस अकाउंट से आपने जमा किए थे अकामे को रिन्यू कराने के लिए। तो आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों, जवाजात की तरफ से ये ट्वीट आया है कि जिस अकाउंट से आपने जमा पैसा किया था उसी अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट छोड़ दे जाता है, उसी में रहता है, जवाजात पे नहीं पहुंचता। अभी उसमें आपने निकालने की बात करी है जवाजात से कि मैं वो पैसा कैसे वापस ले सकता हूँ, तो जवाजात ने इस पर ट्वीट हैंडल करके भी ये बोला है कि जो आपका अकाउंट है उसमें निकासी, पैसा निकालने की निकासी ऑप्शन होता है, तो आप उससे निकासी अपना पैसा निकाल वापस सकते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बैंक से जाके संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने ये स्क्रीन आपका स्क्रीनशॉट करके आपको दिखाया है, ये ट्विटर हैंडल के आपकी उसी न्यूज है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी दिक्कत आए तो आप उसमें बेधड़क बेडर कोई भी बात ऐसी ना सोचे दिल में, जिस जो भी फीस आप अपने जिस अकाउंट से भर रहे हो गवर्नमेंट की कोई भी साइड पे, तो आपका वो पैसा ऑटोमेटिकली रिफंड आपके अकाउंट में हो जाता है। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी इसमें। और अभी मैं एक न्यूज़ और देख रहा था, बुरखे के ऊपर एक न्यूज़ चल रही थी कि बुरखा सऊदी में बैन हो गया। दोस्तों ऐसा झूठी बातों में मत आओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। मैंने देखा है, अभी ट्विटर हैंडल पर देखा है, उनकी सऊदी की न्यूज़ पर भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसी न्यूज़ आई है। दोस्तों किसी बकावे मत आना, किसी की बातों में मत आना कि सऊदी में बुरखा बैन हो गया, ये बात झूठ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी बात पूछनी हो सऊदी के रिलेटिव मेरे को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें।